हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड पे जो है लगा है नाम भावेश वेड्स पूजा। तो मेरे देवर की शादी है, देवर का नाम भावेश है और देवरानी का नाम है पूजा। तो चलिए आगे शादी में लेके चलते हैं आपको। तो शादी जो है वो हो रही है पालमपुर से, जो देवरानी है मेरी वो पालमपुर साइड से है। तो जितने भी फंक्शन थे स्टार्टिंग वाले शादी वाले वो पालमपुर में ही, यहाँ पे परिणय बैंक्वेट हॉल जो है वो बुक किया गया था, तो वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। और अभी मामा के आने पे जो जितने सारे हमारे यहाँ पे काम होते हैं या जो रिचुअल्स होते हैं वही किए जाते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि व्यू जो है ना यहाँ से वो एकदम अल्टीमेट है, ऑसम है। तो अभी हल्दी वगैरह, तेल बटना, मतलब सब कुछ अभी होने वाला है और सब लोग जो है पहुँच चुके हैं, जो दूर से आने वाले हैं वो भी, जो नज़दीक वाले हैं वो भी, और हम लोग भी पहुँच चुके हैं। तो ये है दूल्हे के नाना नानी जो अभी तेल डाल रहे हैं सिर पे, तेल की रस्म बोलते हैं हमारे यहाँ पे। और ये तनु के मम्मी हैं और पीछे हम बस अपनी अपनी बारी का सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और शादी की बहुत जो है ये बहुत ही लेट हो गई हूँ मैं वीडियो पोस्ट करने में। शादी जो है 19th of October की जो है ये हो चुकी है, लेकिन वीडियो आपको बहुत लेट मिल रही है क्योंकि मुझे बिल्कुल भी एडिट करने का जो है वो टाइम नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर हम भी जो है दूल्हे को तेल डाल रहे हैं। तो ये मेरे सेकंड नंबर वाले जो चाचा चाची है, मतलब मेरे मम्मी, मेरे सास ससुर से छोटे वाले जो हैं उनके बेटे की शादी है। तो ये पहला देवर है मेरा जिसकी अभी शादी है। हमारी शादी के बाद हमारे घर में इन्हीं की शादी है लड़कों में, बाकी नंदों की मेरे उनकी भी शादियां हुई है। बट उस टाइम पे मैं ब्लॉगिंग वगैरह उतनी ज़्यादा नहीं करती थी तो कुछ ज़्यादा शेयर नहीं किया है। और शादी की भी देखते हैं अभी वीडियोज़ कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्लिप शूट हुई है वो मुझे खुद भी नहीं पता। अभी जब एडिट करूँगी तभी सब कुछ पता चलेगा। तो चाची तो आप पहले भी देख चुके हो, शिपना जब हम घर गए थे इनके तब भी मैंने चाची का जो घर है वो दिखाया था। तो यहाँ पे देख सकते हो आप व्यू बहुत ही खूबसूरत, और साथ ही साथ यहाँ पे व्यू के साथ साथ जो शादी है ना बहुत ही, मतलब बहुत ही बढ़िया, और भगवान की दया से मौसम भी ठीक ही रहा। तो ये दूल्हे के मामा जी और मम्मी यानी कि मेरे चाची सास, और यहाँ पे अपने जो लोक गीत है वो भी चले हुए हैं। क्या करना, रिक्शा देनी है उसको। तो यहाँ पे जो हिमाचली से उनको तो पता होगा कि क्या हो रहा है, लेकिन जो नॉन हिमाचली उनको नहीं पता होगा कि ये क्या हो रहा है। तो कहा जाता है कि शादी से पहले जैसे ब्रह्मचार्य में होता है लड़का, तो उसके पास जो है अभी शादी से पहले ऑप्शन होता है भागने का। तो यहाँ पे सारे जो है ये जोगी बनेंगे, जितने भी कुंवारे लड़के हैं वही जो है होने वाले दूल्हे के पीछे पीछे चलेंगे, और ये मांगते हैं भिक्षा सभी से। तो सभी के हाथ में, जैसे मैंने आपको वो चावल दिखाए थे, तो सभी के हाथ में वैसे चावल दिए गए हैं। ये 3 बार चक्कर लगाएंगे, सबसे भिक्षा मांगेंगे, और चौथी बारी में जब ये चौथा चक्कर वापस आ रहे होते हैं उस टाइम पे भाभी क्या करती है, रोकने की कोशिश करती है अपने देवर को। और ऐसे माना जाता है कि अगर भाग गए तो भागने का ऑप्शन होता है लास्ट, कि अगर किसी को शादी नहीं करनी है। बट ऐसा कोई करता नहीं है, भागते नहीं है, बस मतलब ये होता है कि दरवाज़ा क्रॉस नहीं करने देना है, कुछ ऐसा ही होता है। बाकी आपके यहाँ पे क्या है स्टोरी इसके पीछे वो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ तो पंडित जी समझा रहे हैं इसको। Thank you.
द्वारका जैसे भगवान विष्णु यहाँ से गए ना, हाँ जी, काजल में द्वारका, हाँ जी, समावेश, हाँ जी, कभी जिंदगी में दो बातें नहीं करनी, क्योंकि जैसे कि यद वस्तुओं का नाश हुआ कैसे हुआ, कभी जिंदगी में दो चीज़ों का अपमान नहीं करना, ब्राह्मण का धर्म जिंदगी में कभी अपमान नहीं करना। हमने जैसे कि यद वस्तुओं को कृष्ण को सखा किसी का परिवार है कि नहीं ना वंश सारा समाप्त हो गया, ऐसे ही इन दो चीज़ों का अपमान करने से कभी वंश की उनके भगवान का कुछ कर सकते हैं। वो संत के मतलब बच्चनों को निकाल दिया, संत ने कह दिया था ना को इसलिए कभी जिंदगी में वो चीज़ों का अपमान नहीं ब्राह्मण और भगवान करके दर्शन करते ये नाना मना रहे इसको नहीं पहले शादी कर ले रहा ये बोल रहा है मैं चला जाऊंगा ये संन्यास ले रहे नहीं ये तो जा रहा है भाई नहीं 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 ब्याह करना जरूरी है अरे फिर भिक्षा मांगे ललक निरंजन Thank you.
मुड़िया रोला रोला बाप चलो चलो भैया अगला प्रवचन सुनो दक्षिण रामेश्वर भगवान राम ने ना रावण का वध किया है ना ब्रह्म को ने देव को क्योंकि रावण का वध राम अनिल को भी और ब्रह्म को ने की वजह से उन्होंने फिर रामेश्वर को नए शिवलिंग की स्थापना की है ना इसी का बहुत आप से हाँ वही जाना पड़ेगा आपको, पहली बार नहीं करने देंगे आपको, चलो 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 हो गया तीसरा नहीं तीन तीन तीसरा तीसरा मणिकर्ण हो गया आना हाँ जी मणिकर्ण हो गया ठीक है जी मणिकर्ण आप उत्तर चलो रोला पाओ अभी अलग निरंजन भाई यहाँ दूसरा काम होने वाला भी यहाँ छीना झपकी हो जाएगी नहीं ये लास्ट है पंडित जी लास्ट है ना लास्ट है ना एक और है कोई एक और है अली एक और है नहीं तीसरा है पंडित जी बोल रहे एक और है एक और जाने दो भी जाने दो तीसरी बार हाँ तो चौथी बार भागेगा ना पढ़िए थोड़ा जोरा ने बोला आई नहीं सुने ऐसो अभी रुक जा अभी एक मिनट अभी होगा धमाका क्या चलो भाई जोश भरो अब अगली बार पार कर देना तुमने तुम्हें ही भागना है ये रुकेंगे तुमको और तुम्हें भागना है अलग निरंजन विश्राम दे अलग निरंजन विश्राम दे
ओम लख ओम लख ओम लख अलक निरंजन कोई और लीड करेगा तुम बोलो अलक निरंजन अरे आप आने वाले थे ना लास्ट में आओ आओ नहीं 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 आओ ज्यादा जोर से ये भी झोली भी संभाल ली जब उल्टा चलेगा याद रखना तो ओम लख ओम लख देखो तब ओम लख 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 हमारा भी एक जवाबी तीर है भी साधु मैं भी साधु लगा कुमका मेला बिना छाल के वृक्ष बता दूं तो बंजा गुरु मैं चेला ये भी गुरु से पूछ के गुरु से पूछ लेना ओम लख जोड़े स्माइल रख ओम लख जोड़े स्माइल रख ओम लख जोड़े स्माइल रख अलख निरंजन विक्राम देई अलख निरंजन विक्राम देई अलख इन बच्चे का इन्होंने तो लकड़ी अलख निरंजन विक्राम देई अलख निरंजन विक्राम देई अलख निरंजन विक्राम देई अलख निरंजन पकड़ो 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 ओम लख भाई चोरी अरे चिमटा पकड़ी ले कोई और ओम लख पार्टियां मतलब पार्टियां ओ नहीं 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 बस तेरा सन्यासी होने का सपना रह गया नहीं नहीं चोरी बची गई कोई क्या होना बड़ी जोर